सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट एम एस। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ वेजिटेबल्स। तो चलो शुरू करते हैं। तो वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमें इस तरह बेसिक शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे वेजिटेबल्स को ड्रॉ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पहले हम बनाएंगे टमाटो। तो टमाटो बनाने के लिए हमें चाहिए एक राउंड शेप, ठीक है ना, ऐसे राउंड शेप। सेम यहाँ पे बनाते हैं छोटा टमाटो, ठीक है, देन आउटलाइन। लो हो गया एक बेसिक शेप। देन टोमेटो की मैं जो जो ड्रॉ करूंगा आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ऐसे प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है। चलो हो गया एक टमाटो, बहुत आसान था। फिर हम बनाएंगे गाजर। तो गाजर बनाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा शेप, एक ऐसा शेप और एक राउंड शेप, ओवल शेप। तो चलो बनाते हैं। बहुत इजी था ना। फिर बनाएंगे आउटलाइन, और आउटलाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। पहले शेप तो बना लिया, फिर अच्छे से आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है ना, चलो हो गया एक गाजर। बहुत अच्छे हो गया। फिर हम बनाएंगे बैगन। बैगन बनाने के लिए हमें चाहिए इस शेप, ठीक है ना, ये बैगन मैं नहीं खाऊंगा, छोटा हो गया। फिर सबका चाहिए था, बोलो तो क्या है, आप जरा नोटिस कीजिए, मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, बहुत ही इजी है सब कुछ। मिर्ची मिर्ची पहले मैं बनाऊंगा, फिर शेडिंग करूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप देखिएगा। फिर सबसे इजी पोटैटो, ठीक है ना, ये जो सेम शेप का होता है। फिर लेडीज फिंगर, लड़कियों का उंगली। हो गया ना। तो इस वेजिटेबल्स को और एक बनाएंगे। बताओ ये कौन है। आप जरा देखिए, सेम शेप मैं दूसरी कोई नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ।
फिर राउंड। हमारे यहाँ बंगाली में कहते हैं मटरशुटी, ठीक है ना। ओके, फिर शेप हो गया। फिर शेप बनाने के लिए तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, तो इसके बाद करेंगे शेडिंग। तो शेडिंग में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा, आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, ठीक है। तो शेडिंग करने के लिए पहले मैं पेंसिल को ऐसे पकड़ूंगा, पकड़ने के बाद ऊपर से लेफ्ट टू राइट। शेडिंग दो तरीके से होता है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे खींचिए। मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट ऐसे पकड़ा और लेफ्ट टू राइट ऊपर नीचे खींचा, ठीक है ना। ऐसे शेडिंग होता है। और एक मेथड है हैचिंग मेथड, ऐसे ऐसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट खींचिए। मैं यहाँ से खींच रहा हूँ और उठा रहा हूँ, खींच रहा हूँ उठा रहा हूँ, ऐसे ऐसे खींचिए, देन ऐसे खींचिए। आपके मैंने प्रैक्टिस किया था ना, सेम मेथड। देन ऐसे खींचिए, देन टिश्यू से ऐसे टिश्यू लीजिए और टिश्यू को फोल्ड करके ऐसे गोल गोल रब कीजिए। देखिए एक शेडिंग हो गया। सेम तरीके से मैं यहाँ पे करूँगा शेडिंग, तो चलो करते हैं। शेडिंग बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है, बहुत रियलिस्टिक लगता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरह करना, जितने समय दोगे उतनी अच्छी तरह फ्रूट्स बनेंगे, वेजिटेबल्स बनेंगे, ओके ना। देन हैचिंग मेथड, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा, ये इससे बोलते हैं हैचिंग मेथड। आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा सेम, ठीक है ना। थोड़ा सा डार्क कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। देन यहाँ पे थोड़ा लाइट कीजिए, थोड़ा सा डार्क कीजिए, ठीक है। ये बहुत इजी मेथड है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और टमाटो ही तो है। तो ऐसे करते हैं शेडिंग। देन शेडिंग करने के बाद टिश्यू लीजिए के बाद गोल गोल खींचिए। मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे एकदम गोल गोल, देखिए कैसे कितने अच्छी तरह ब्लेंड हो रहा है, ऐसे ही पूरी जगह, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे तो मेरा हो गया टमाटर। देन थोड़ा सा और डार्क कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे और डार्क चाहिए। ठीक है ना, हो गया। दिन टिश्यू से फिर रब कीजिए। तो ऐसे होते हैं एक शेडिंग।
तो शेडिंग करने के बाद हम इरेजर लेंगे। इरेजर लेने के बाद ऐसे रब कीजिएगा। आप थोड़ा सा नॉर्मल इरेजर यूज़ करिए। ऐसा हो गया। तो मेरा हो गया ये टमाटर। तो टमाटर करने के बाद हमें चाहिए गाजर। वही सेम मेथड, हैचिंग मेथड। थोड़ा डार्क करता हूँ। डार्क करने के लिए मुझे चाहिए 6B। अच्छे से सीख लो, यही बहुत जगह काम आएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट और कुछ नहीं। लेफ्ट टू राइट बस। वैसे हो गया। यहाँ पे थोड़ा डार्क कीजिए। तो ऐसे होता है गाजर। ठीक है ना। दिन टिश्यू लीजिए। टिश्यू लेने के बाद यहाँ पे रब कीजिए। बस हो गया एक गाजर। हो गया। देन गाजर करने के बाद हमें चाहिए बीन्स। हमें चाहिए आउटलाइन। सेम चीज, शेडिंग मेथड। ऐसे शेडिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डार्क शेडिंग करेंगे बिकॉज ये अंदर की चीज है। ठीक है ना। मैं जो कर रहा हूँ आप कर रहे हैं ना। तो चलो हो गया, ये भी शेड हो गया। इसको जितना समय देंगे उतना भी रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है। ओके, ये भी हो गया। इसको ठीक है ना। चलो हो गया। देन यहां से आउटलाइन, आउटलाइन को डार्क कीजिए। तो ऐसे होता है। देन हम करेंगे बैंगन को। बैंगन का सेम मेथड, जहाँ पे जो शेड लगेगा वहाँ पे वैसे करेंगे। तो हो गया। देन शेडिंग, ब्लेंडिंग।
प्रिंट कर देंगे। हो गया। दिन करेंगे पटैटो को। पर्रा की एक रैंडम शेप होता है तो वही से फ्रॉम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके तो ये करने के बाद थोड़ा डार्क करेंगे, यहाँ पे थोड़ा डार्क करेंगे, देन रैप करेंगे ब्लेंडिंग। ओके तो ये हो गया पोटैटो। ये मेथड तो आप जानते ही है, हैचिंग मेथड। तो मैं दोनों तरह से ही कर रहा हूँ। पहले ब्लेंडिंग मेथड, देन हैचिंग मेथड। ओके हो गया। ये हो गया डिटेल्स थोड़ा सा। हो गया, ये हो गया पोटैटो। और पोटैटो काटने के बाद हम करेंगे लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर तो इजी है, ठीक है ना। ऐसे शेडिंग करेंगे, डार्क करेंगे चीजों को। देन ये जर से थोड़ा सा रब करेंगे, हो गया। तो ठीक है ना, हो गया हमारा लेडीज फिंगर। देन करेंगे मिर्ची। तो ऐसे हम शेडिंग करते हैं। ठीक है तो हो गया।
तो ये सब वेजिटेबल्स हो गया, दिन थोड़ा सा हाईलाइट। तो ऐसे करते हैं वेजिटेबल्स। तो इसका और एक मेथड है कि एक सर्कल लीजिए और रैंडम सर्कल को ऐसे शेड कीजिए। ध्यान रखिए कि शेडिंग बाहर ना जा पाए, ठीक है, शेडिंग बाहर ना जा पाए। देन एक नॉर्मल सर्कल लीजिए। सर्कल लेने के बाद देखिए कि शेडिंग बाहर ना जा पाए, यही तो चैलेंज है, शेडिंग बाहर ना जा पाए। आप ध्यान रखिएगा, सेम चीज़ यहाँ से, इसे को तेरे एक प्रॉपर हैचिंग मेथड। ठीक है ना, देन यहाँ से तब ये करने के बाद आप करेंगे एक रैंडम टिश्यू लीजिए। टिश्यू लेने के बाद गोल गोल स्मूथ कीजिए, देखिए कितना स्मूथ हो गया। तो ऐसे करते हैं सिर्फ शेडिंग। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत चीज़ सीखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो तब तक के लिए ओके बाय।